और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर विधानसभा में बारिश का पानी भर गया, साथ ही नगर निगम में भी बारिश का पानी भर गया है। कुछ देर की बारिश में ही जलभराव देखने को मिला है। तस्वीरें विधानसभा के गेट नंबर 7 की हैं, जहां पर जलभराव हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, जहां लखनऊ में बारिश के दौरान हर तरफ जलभराव देखने को मिल रहा है। विधानसभा के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गेट नंबर 7 जहां पर पानी भर गया है। तमाम कर्मचारी वहां पर जल निकासी में लगे हुए हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कैसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। तो सारी बातों का सार ही है कि नगर निगम की तरफ से जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि मानसून से पहले ही हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जल निकासी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, नालों और नालियों की साफ सफाई कर ली गई है, उसकी कह सकते हैं एक प्रकार से पोल खुल गई है। 3 कैमरों के जरिए 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम में भी पानी भर गया है, विधानसभा भवन में पानी भर गया है, गेट नंबर 7 की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, इन सब के बीच कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन लगातार हुई बारिश के चलते जो जल जमाव हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको 3 कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। लगातार कर्मचारी इस कोशिश में लगे हैं कि पानी को निकाला जाए, लेकिन इस वक्त लखनऊ में हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, गेट नंबर 7 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर रोड पर पानी दिखेगा आपको, विधानसभा परिसर के भीतर पानी दिखेगा, गेट नंबर 7 लबालब भरा हुआ है पानी से। इन सब के बीच जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पर तैनात थे वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम दफ्तर का भी यही हाल है, हज़रतगंज का भी यही हाल है, जहाँ बारिश के चलते हर तरफ जल जमाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल नगर निगम की तैयारियों पर खड़े हो रहे हैं। नगर निगम जो कि दावा कर रहा था कि मानसून आने से पहले ही उसकी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, नालियों की सफाई की गई है, नालों को भी समय रहते साफ कर लिया गया है, अगर ऐसा सब कुछ था तो फिर जल जमाव की स्थिति यहां पर क्यों उत्पन्न हो गई है। न सिर्फ लखनऊ की किसी एक हिस्से में बल्कि तमाम इलाकों में इस वक्त ऐसे ही हालात बने हुए हैं, ख़ासतौर से तो इस वजह से जल जमाव कम हुआ है, लेकिन बारिश के चलते जो हालात वहाँ पर बने हुए थे थोड़ी देर पहले की तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। न सिर्फ हज़रतगंज इलाके की बात करें या फिर नगर निगम दफ्तर की बात करें, विधानसभा के गेट नंबर 7 के भी हालात आप देख सकते हैं। बारिश हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं विधानसभा की आप देख सकते हैं, ये विधानसभा में किस तरीके से विधानसभा का ये निचला हिस्सा है, यहाँ पर पानी भर गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 नंबर गेट से निकले हैं। ये यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, देखिए कैसे पैंट को अपनी वर्दी को संभाले हुए हैं। ऑफिसों में पानी, यहाँ ऑफिस खाली हो गए हैं, जो व्यवस्था अधिकारी हैं वो अपनी कुर्सी छोड़कर जा चुके हैं, और यहाँ पर जो ये हेल्थ डिस्पेंसरी है ये भी बंद है, यानी कि पानी इस कदर यहाँ पर भरा हुआ है। ये ऑफिसों में हम ऑफिस की तस्वीरें दिखाएंगे, ये ऑफिस का हाल है, ये विधानसभा का निचला हिस्सा है, ये तमाम जो मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, कुर्सी पानी में है, यानी पानी भर चुके डिस्पेंसरी में। हम कैमरामैन साथ इस कहेंगे नीचे पानी दिखाएं, ये पानी की तस्वीरें हैं, ये डिस्पेंसरी में भी पानी भर गया है। विधानसभा के जो निचले स्तर पर जितने भी कार्यालय हैं उनमें पानी पूरी तरीके से भर चुका है, और ये वो तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा की है, ये पोल खोल रही है कि आखिर किस तरीके से बारिश से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं बड़ी दिक्कतें हो रही है, पूरा पानी भरा हुआ है सारे दफ्तरों में, नीचे के जितने भी दफ्तर हैं इनमें बिल्कुल ये पानी आप देखिए डिस्पेंसरी में, ये तस्वीर है विधानसभा की डिस्पेंसरी की, इसमें भी पानी भरा हुआ है, पूरे कुर्सियां खाली हैं, यहाँ से लोग जा चुके हैं। हम यहाँ पे और लोगों से भी ये आपको तस्वीरें और दिखाएंगे, यहाँ पर जो यहाँ पे तमाम स्टाफ के लोग और बाकी लोग भी हैं, ये पानी यहाँ पे, तो ये पावर हाउस भी है, पानी भर गया है, पानी निकल गया है पानी यहाँ का, यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ सही है, सही हो गया, अंदर से निकल गया लेकिन यहाँ पे तो भरा हुआ है, यहाँ गैलरी में भरा है, ये भरा हुआ है पानी। ये तस्वीरें आप दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, और ये यहाँ विधानसभा की तस्वीरें हैं, ये विधानसभा का निचला हिस्सा है। हम आगे भी बढ़ेंगे, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस कदर यहाँ पर बुरी तरीके से पानी है, ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, ये तस्वीरें, ये यहाँ पर भंडार उद्यान मुख्य भवन है, ये विधानसभा का मुख्य भवन है, और ये ऑफिस, ये ऑफिस की भी तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए सारे दफ्तर, जितने भी दफ्तर हैं नीचे, ये जयशंकर प्रसाद अनुसचिव मुख्य व्यवस्था अधिकारी हैं, व्यवस्थापक हैं मुख्य भवन के, इनके भी दफ्तर में पानी भर गया है।